마가 태워 마시. 어쩌나? Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. मैं शश, कैसे हैं अच्छे सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे, क्योंकि कुछ हालात इतने अजीब व गरीब हुए हुए थे कि बारिश इतनी ज़्यादा थी और फिर रोड इतने ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे कि आरिफ तो हमें कहीं लेके ही नहीं जा रहे थे कि बाहर बहुत गड्ढे हैं, रोड ख़राब हैं, तो इसलिए हम लोग कहीं जा ही नहीं रहते। आज काफ़ी दिन के बाद कुछ मुझे भी लेनी थी अपने लिए, सैंडल्स वगैरह, स्लीपर्स और रफ यूज़ के लिए आरिफ को भी लेनी थी। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वैरायटी है बाटा पे और काफ़ी सारी जगह पे ना ऑफ भी लगी हुई थी और ये बाटा पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट था। तो आरिफ तो हमेशा से जो ना बहुत सुस्ती करते हैं, नहीं लेते अपने लिए सैंडल्स वगैरह। मैं स्पेशली आज आई थी, मैंने कहा आरिफ आपके लिए, आपने अब ज़रूर लेनी है अपने लिए ना, हमेशा से ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेते हैं तो कभी वो सही भी निकलती हैं, कभी सही नहीं निकलती हैं ज़्यादातर ना। तो मेरा था कि मैं आज अपनी पसंद से लाऊँगी, लेकिन मेरी पसंद से तो खैर नहीं लिए थे, अपनी ही पसंद से लिए थे, बट जो उन्होंने पसंद किए उसमें साइज़ ही अवेलेबल नहीं थे आरिफ का। तो उन्होंने कहा कल आ जाइएगा, बट कल तो इतनी जल्दी से आती नहीं है। और अब्दुल्ला को चाहिए थे पार्टी वाले शूज़ और वो अपने लिए पसंद कर रहे थे, लेकिन सारे स्कूल्स वाले शूज़ में पसंद आ रहे थे। बाकी मुझे एक बैग पसंद आया था और दो स्लीपर्स मुझे पसंद आई थी, जिसमें से एक का कलर थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो रेड मरून टाइप का कलर था, तो वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मैं ज़्यादातर वाई यूज़ करती हूँ, तो फिर ब्लैक कुछ स्किन कलर के टाइप की स्लीपर्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो फिर मुझे ये ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। रेड वाली भी अच्छी लग रही थी, बहुत कंफर्टेबल थी, बट थोड़ा सा कलर इसमें बस एक ही कलर ना इसमें, तो फिर मैंने जो है ब्लैक वाली ली थी। जब भी मैं स्लीपर्स वगैरह लेती हूँ आम रूटीन में या वैसे भी, तो मेरी कोशिश होती है कि हील भी हो, कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि आरिफ की हाइट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और मेरी तो अगर नॉर्मल है, तो फिर थोड़ी हील पहन लेती हूँ तो थोड़ा सही लगता है, वरना तो छोटी लगती हूँ उनके साथ ना मैं तो। और वैसे मुझे लगती भी ज़्यादा ना थोड़ी सॉफ्ट स्टाइल की सैंडल्स अच्छी लगती हैं, जो कंफर्टेबल भी हैं और आपकी थोड़ी सी हाइट भी उसमें थोड़ी ज़्यादा लग गया। और फिर अपायाज में क्या होता है कि वो नीचे भी बिल्कुल नहीं लगते ना, थोड़ी हील होती है तो। और हमारा एक रोड तो आपको पता ही कितने गंदे होते हैं, तो हील में मैं कम्फर्टेबल रहती हूँ। बाकी एक स्लीपर मुझे अच्छी लगती थी, गोल्डन और लाइट गोल्ड अच्छी लग रही थी स्लीपर्स काफ़ी, लेकिन उसकी हील जो ना वो पेंसिल थी, तो मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती थी पहन के। और वैसे भी कोई भी तकलीफ हो या शादी हो तो अब्दुल्ला ने गोद में चढ़ना होता है, और फिर अब्दुल्ला को गोद में लेके तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाती। इवन के ऐसा भी हुआ है कि मैं जो ना बगैर चप्पलों के घर आई हूँ हाथ में लेके, क्योंकि हाल बुरा हो जाता है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है पेंसिल हील के साथ। बाकी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि पेंसिल हील नहीं लेनी है मुझे। उसके बाद थोड़ी हमने आउटिंग की, लॉन्ग ड्राइव गए हम लोग, खाना वाना घर से खाया हुआ था। आजकल बाहर खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, तो पानी बहुत ख़राब हो रहा है, आप लोग भी बहुत एहतियात करें बाहर के खाने, थोड़ा सा अवॉइड करें। और हाँ, लिमका का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है मुझे आजकल ना, तो बस लिमका तो मेरा दिल करता है दिन में दो तीन बार भी मैं मंगा के पी लूँ ना,
बाकी ये है, ये कहाँ है हम, ये स्टालों पे हैं हम जी। उसके बाद कुछ सामान रहता था हम लोग का, मीन्स हम लोग का इस तरह होता है कि मैं ग्रॉसरी वगैरह तो करती नहीं हूँ, जो भी सामान होता है वो आरिफ को मैं मैसेज कर देती हूँ तो वो ले आते हैं शाम में ना। कुछ इस तरह का सीन नहीं है कि मंथ पे हम लोगों ने जाके सारा सामान ख़रीदना है या फिर कुछ इस तरह का, मुझे तो आइडिया भी नहीं है मेरा सामान कितने दिन में क्या ख़त्म होता है, तो कभी इस तरह से लिया ही नहीं है। बस जो जो सामान मेरा ख़त्म होता है, कोई महीना चलता है, कोई दो महीना, कुछ चीज़ें 15 दिन में, तो इस तरह से जो ना जो भी मुझे सामान चाहिए होता है तो मैं मैसेज कर देती हूँ और आरिफ लेते आते हैं। बस ये कि अब तो लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी, खाने पीने की, डोनट्स वगैरह, और लेज वेज लेनी थी इसको जो ना, और इसको टॉय लेना था। तो फिर वैसे हम लोग तो ज़्यादातर इसलिए आए थे इधर मार्ट पे कि अब्दुल्ला को थोड़ा सा जो ना झूले वगैरह हम झुला देंगे, क्योंकि हमने जाना था बॉलीवुड, लेकिन टाइम हमें बहुत ज़्यादा हो गया था तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो इधर बैग मार्ट पे ऊपर शायद प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों का ना, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर ले जाते हैं अब्दुल्ला को ना, बट फिर नीचे ही हम लोग को इतनी हम लोग लेट हो गए थे तो फिर बंद होने का टाइम हो गया था। तो बस अब्दुल्ला ने कुछ अपनी पसंद की चीज़ें ली, कुछ एक दो चीज़ें मुझे भी याद आ गई थी जो कि मुझे मंगानी थी, तो फिर वो ले ली थी कुछ सामान। तो पहले बड़ा शौक़ होता था मुझे ग्रॉसरी करने का जब नए नए मार्ट बने थे, लेकिन अब तो मेरा दिल ना भर गया था क्योंकि एक आध दफ़ा ना मुझे इंतहा का रश मिला था, और वो जो सामान हम ले लेते हैं फिर लाइंस में लग के बिलिंग होती है और फिर इतना रश होता है, ऐसा लगता है बस गर्मी ऐसी नहीं चल रहे होते इन लोगों के ना, तो ज़्यादा गर्मी में या फिर काम नहीं कर रहे होते ऐसी ना, स्मेल ऑफ। तो बस मुझसे जब से जो नसीहत हो गई तो मैं बिल्कुल मार्ट वगैरह बिल्कुल नहीं जाती हूँ, बस आरिफ इतनी नहीं जाते हैं वगैरह करने की, तो जो वाला टाइम होता है हम मामले में कर लेते हैं, ऐसे आउटिंग कर लेते हैं, तो इधर नहीं ज़ाया करते हम लोग अपना टाइम ना मार्ट वगैरह पे। तो बस सच का व्लॉग का यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ गया। हाँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब के अच्छी पापा खुश हो रहा है, चलो जल्दी मज़ा आ रहा है, बारी है।